बठिंडा सिटी ऑफ लेक्स। टीडीएल जो जब भी मेट जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की वजह से रोशनी में आने वाले इस शहर की अपनी एक अलग ही आकर्षकता है। लेकिन आज की ये कहानी बठिंडा के एक ऐसे क्षेत्र की है जो देश को आज़ादी मिलने के 65 साल तक बुनियादी सहूलतों के लिए तरसता रहा। उड़िया क्रोनी के नाम से जाने जाने वाले इस क्षेत्र में लगभग 200 परिवार रहते हैं, लेकिन ना तो यहाँ रोशनी के लिए बिजली थी और ना ही शहर तक जाने के लिए सड़क। कोई बिजली का प्रबंध नहीं था, ना खम्भा था, ना बिजली था, कुछ नहीं था, ना मीटर था। अभी सांप आ जाता था, घर में भी घुस जाते थे, डरते थे हम लोग। पहले हमारा पास ना राशन कार्ड था, ना नीला कार्ड था, ना राशन का सुविधा था। लेकिन 2012 के बाद इनकी स्थिति में बहुत सुधार आया है। लेकिन 2012 में एक ऐसा चेहरा MLA के रूप में उभरा जिसने किसी से किसी भी तरीके का भेदभाव ना करके सब तरफ विकास के कामों को शुरू करवाया, और स्वरूप सिंगला के MLA बनते ही इस एरिया में भी विकास का काम शुरू हो गया। जो इस तू पहले मैं समाज सेवा नाल जुड़िया हुंदा सी, एक उड़िया कलोनी जो थर्मल दे कोले लाइन तो पार वस रही सी, उन्हां लोकां नूं ना बिजली सी, ना पानी सी, ना ही सीवर सी, ते ना ही उन्हां नूं आपदियां घरां दे विच जाण दा कोई रस्ता सी। वो लाइना क्रॉस करके जाते सी। कई बार तो इस तरह के हादसे हुए कि लोगों को जान गोनी पड़ी। जब हमें शहर जाना होता था तो रेलवे लाइन से ही हम तब के जाते थे। कभी कभी जो गाड़ी आ जाती थी हमें बड़ी दिक्कत होती थी और बड़ी डर लगता था। सो मेरा सपना सी कि मैं इस एरिया का विकास करा। सब तो पहली जरूरत होंगी है कि इस एरिए का विकास होना होता हो तो बिजली की जरूरत होंगी है। सब तो पहला मैं उन्होंने बिजली का इंतजाम किया। उस तो बाद मैं उन्होंने लोगों वास्ते राशन कार्ड का इंतजाम किया। उस तो बाद मैं जो उन्होंने आधार कार्ड से वोटर कार्ड वो भी उन्होंने बनाने का किया। बिजली के आपके सारे घरों में मीटर लग चुके हैं, लगे हैं, सबकी बिजली मिल गई है, सभी को मिल गई। राशन कार्ड सभी को मिल गए हैं, बन गए। नीले कार्ड बन चुके हैं। और मेरे को कुछ पता चला है कुछ लोगों के अभी रहते हैं पेंडिंग, वो भी 15-20 आदमी के रहते हैं, ज्यादा नहीं, वो सभी करवा देंगे। और आपकी जो आधार कार्ड है वो भी बन चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। और किसी चीज की जो भी मेरे पास आए आपको कभी कमी तो नहीं रही? एक महत्वपूर्ण काम जिहड़ा कि लोग लाइना तो जोखम दे नाल लंघ रहे सी, हमेशा ही डर रहिंदा सी, उहनां वास्ते पुल निर्माण का काम शुरू होया। बड़ी देर तो तुहाडी पुल की समस्या सी, तुसीं लाइना ते चल के आंदे सी, हुण पुल बनना शुरू हो गया। देखे आपने बन रहा है ना, वो पुल बन जाएगा 2-3 महीने में। और उसके बाद आपने, आपके बच्चों ने, किसी ने भी लाइने क्रॉस नहीं करनी है। अभी आपको जो पुल मिल गया, पुल पे आप जाए, आए साइकिल पे जाए, मोटरसाइकिल पे जाए। MC साहब होर इस एरिया की काम का सिंगला साहब, असी बेनती की इस इलाके के लोगों ने या नहर की सफाई का काम से बड़ा गंद है, तो असी ये बेनती साड़ी प्रवान करो। ये बहुत बड़ा गंद का घर बनया हुआ, बहुत ही बड़ी समस्या। हम तुम जाके देखो, अज असी सारा टोटल सारे NGO सारे बठिंडे के अकाली दल के MC काउंसलर सारे की जिम्मेवारी ला के और काम शुरू हो चुका है, और एक दिन के शाम तक सारा सफाई। इस ये जो एरिया की सब तो बड़ी समस्या सी कि ये जो भावें साढ़े बहुत लीडर रहे हैं पावर के MLA रहे हैं, उन्होंने कदे भी उस एरिए जाने की कोशिश नहीं की। तो लोगों वास्ते भी एक गल दिमाग हमेशा रही कि MLA बहुत बड़ी पावर होंगी है, सानू MLA ने कितने सुनना, असं गरीब आदमी। तो जो मैं उन्होंने जाना आना शुरू किया, उन्होंने दसिया कि मैं थोड़े वास्ते हैं, थोड़े लिए हैं, थोड़े पूरे काम कराया करा, तो उन्होंने विश्वास बजा। वो हौली हौली मेरा आपदी समस्या मेरे को आने लगे और मैं उन्होंने को लग्या। 5-7 बारी वो 5-7 बार मैं गया, तो फिर उन्होंने मेरे घर पर आके अप्रोच करना शुरू किया। तो अज वो लोग मेरे परिवार के मैंबर तरह मैं समझते हैं, हमेशा ही खुशी गमी कोई व्याह है तो मैं जरूर वो बना पसंद करते। स्वरूप चंद सिंगला जी हमेशा हमारी समस्या को सुनते हैं और हम लोग भी उनके घर जाके अपनी समस्या सुनाते हैं। हमें पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमने सही आदमी को MLA चुना है। मैं सारे बठिंडा निवासियों का तहे दिल तो धन्यवाद करता है जिन्होंने मैं हमेशा ही बहुत प्यार ते सत्कार दिता। असी हमेशा ही बठिंडा निवासियों के प्यार नाल बझे हुए उन्होंने दित्ती सेवा नूं तनो मन निभाउण की कोशिश करते रहेंगे।